आइसक्रीम है, यहाँ पे पार्टी हो रही है। देखिए भैरव कुंड वालों ने कैसे आपको काम कर रहा है। गाली मत दो भाई, गाली मत दो। यहाँ पे देखो 5 रुपये का आइसक्रीम, यहाँ पे 10 रुपये में तेल लगा के ले रहे। ये हम लोग का उधर में 2 रुपया करके बिक्री होता है और इधर में 10 रुपया करके लेता है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है इधर में, बहुत अच्छा से हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब गाली देना नहीं चाहता। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं भैरव कुंड फैमिली पिकनिक, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग का घर का परिवार जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भैरव कुंड पिकनिक प्लेस कैसा है, आप लोग जा सकते हैं कि नहीं, वहाँ का जगह सेफ है कि नहीं, सब लोग आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग, देख लीजिए आप लोग। तो फाइनली हम लोग गाड़ी पे उठ चुका हुआ है। देखिए हम लोग का पूरा फैमिली गाड़ी पे बैठा है और मेरे मम्मी तो आया नहीं, मेरा पापा बैठा है, मेरा बहन, मेरा भैया लोग सब लोग आया है। तो गाड़ी में देख सकते हैं आप लोग, सब लोग अभी रेडी हो चुके हैं, अभी गाड़ी निकलेगा। ठीक है, चलो देखो। तो हम लोग ढेकियाजुली पहुंच चुके हैं अभी। तो दिखाई दे रहे पहाड़ी, आप लोग देख सकते हैं उधर हम लोग जा रहे हैं अभी। तो देखते जाइए वीडियो, हम लोग का पीछे तरफ आ रहा है और पिकनिक गाड़ी आ रहा है, बहुत सारा गाड़ी आ रहा है, पूरा लाइन लगा है। तो हम लोग सबसे फास्ट में है। हम लोग का गाड़ी पूरा फुल हो चुका था, तो 4-5 आदमी के ऊपर खड़ा भी है, जगह नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुका है, भैरव कुंड के पास पास आ चुके हैं। तो इधर से बहुत सामने दिखाई दे रहा है, देख सकते आप लोग, जूम करके दिखा दिया आप लोगों को, बहुत सामने दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली मोबाइल में इतना क्लियरिटी नहीं आ रहा था, तो सामने जाने से और भी मज़ा आता है। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं वही जगह पर जो भैरव कुंड पिकनिक प्लेस फेमस जगह है। तो आप लोग देख, ओह माई गॉड, आप लोग देख सकते हैं पीछे का व्यू, पीछे एकदम लाइन लग चुका है बस की, इतना बस है, बाप रे बाप, बस और ट्रेवलर सबसे ज़्यादा तो बस ही है। आप लोग देख सकते हैं, इतने जूम करके दिखा दो आप लोगों को, इतना सारा गाड़ियाँ है और उसका पीछे तो कितना जाने कितना लाइन लग चुका है। हम लोग पहुंच गए फाइनली भैरव कुंड, देख सकते हैं इधर पे बहुत ही भीड़ है, बहुत ही अंदर जाने नहीं दे रहे, भूटान पे जाने नहीं दे रहे। मेरे साथ मेरा भाई है विशाल, देख सकते हैं नज़ारा, देखिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से तो दिखाई दे रहे हैं आप लोग को ये पहाड़ी है, और पहाड़ आपको भूटान पहाड़ है, हम लोग जहाँ पे बैठे हैं नदी का उस पार में अरुणाचल है, इस पार में आपको आसाम है, और वो जो उस तरफ का आपको दिखाया व्यू पहाड़ जो दिखाया हो तो आपका है भूटान का पहाड़, भूटान, वो जो उधर से दिखाई दे रहा है ये आप दिखाएंगे आपको अभी। ये देखिए, ये आपका हो गया भूटान पहाड़। हेलो गाइस, देख सकते हैं आप लोग नीचे का नज़ारा, पूरा अल्ट्रा बास ही बास है, पूरा क्या बोलेगा आप लोग, मतलब मैं तो पागल ही हो गया, देखिए सुंदर नज़ारा है भाई। हम लोग अभी बेर खा रहे हैं, बेर का पेड़ हम लोग को मिला है इधर, ये देख सकते हैं कच्चा कच्चा है, अभी तक पका नहीं है, तो मेरे को मिला है थोड़ा बहुत पक्का, ये रहा। चलिए हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ से, कहाँ से आना पड़ रहा है भाई, क्या क्या बोल सकते, क्या बोलना चाहते हैं, कैसा लगा भैरव कुंड आके? बहुत ही अच्छा लगा। अब क्या बोलेंगे, तो अभी हम लोग काम करते हैं फिलहाल, उसके बाद हम लोग ब्लॉग, आप लोग अभी चिप्स खा रहे हैं। क्या बोलेंगे, Thank you.
मजा आ रहा है रात का। भैया जी क्या बोल रहे हैं आप? हेलो गाइस, कैसा लग रहा है भैरव कुंड में? बहुत अच्छा। देखो अभी उमित अच्छा है, थोड़ा बाद में उमित को देखिएगा, उमित डबल हो जाएगा। उमित को एक आदमी चार आदमी दिखाई देगा, पूरा देसी थर्रा मार के। हेलो गाइस, तो मैं हूँ और मेरे भाई विशाल है, तो हम भी हम लोग जा रहे हैं ऊपर का तरफ से, ऊपर का तरफ जा रहे हैं पहाड़ पे उतरने के लिए। चलिए देख के आते हैं क्या होता है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। चलो अभी कहाँ जाओगे? चलो जैसे घूम के आता है, चले देख के आता है। देख सकते हैं आप लोग चले चल चल रहे अभी। तो यहाँ पे हम लोग का खाने का इंतजाम हो रहा है, अभी ये तुम पे खाना बनाएगा सब लोग मिलते। तो इधर पे रुकम भाई अंडा लेके जा रहे हैं, खाने का जुगाड़ होगा अभी। तो अभी अंडा बॉयल होगा, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट होगा। कैसा लग रहा है? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मिसामारी का आदमी भर चुका है भैरव कुंड पे। इधर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है इधर का आगे? इसको देखो, टोपू को देखो, अच्छे से पार्टी हो रही है। देखिए में तेल लगा के ले रहे हैं। हम लोग का उधर में 2 रुपया करके बिक्री होता है और इधर में 10 रुपया करके लेता है। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इधर में बहुत अच्छे से हम लोग वो कर रहे हैं। मतलब गाली देना नहीं चाहता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चा देखते मेरा वीडियो, मैं गाली नहीं देता हूँ। तो मेरे दोस्त की तरफ से मेरा सॉरी बोलता हूँ कि गाली दे दिया, बाय मिस्टेक हो गया। तो आप लोग भी आ सकते हैं, लेकिन खर्चा थोड़ा कम करिएगा, इधर में बहुत महंगा है बहुत। हे गाइस, देख सकते हैं आप इतना सुंदर व्यू है इधर से। नीचे पानी पानी पूरा हरा हरा पानी है। उधर हो गया आपका अरुणाचल पहाड़ है। ये है अरुणाचल प्रदेश है आपका। कहते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है, उधर से अरुणाचल प्रदेश है। ये हो गया जो बाहर देख रहे हैं आपको अरुणाचल प्रदेश है, और ये हो गया स्विस गेट, इधर से पानी स्टॉक करता है। और वहाँ पे भी पूरा पिकनिक पार्टी है, इधर से जा सकते हैं आप पहाड़ में उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए है, लेकिन इधर भी बंद है, अभी जाने के लिए मना है।
उसी वजह से जा नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं। इधर का पानी का लहर देखिए कितना सुंदर पानी है, अभी पी भी सकते हैं इसका पानी, इतना साफ सुथरा पानी है। नीचे उतरने का मन कर रहा है लेकिन क्या करेगा, उतरने का सिस्टम नहीं है, नहीं तो उतरता हम लोग। मेरे साथ विशाल है, विशाल क्या बोलते हैं आप, अब क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस मज़ा आ गया। तो अब कितना बड़ा है इधर पे? इससे पहले एक बार आया था 4 साल पहले, तब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, छोटा ही था तब थोड़ा बहुत। अभी कैसा फील हो रहा है आपको? फील वही पुराना वाला, पहले से थोड़ा डेवलप हुआ है, डेवलप हुआ है। पहले ये सब काम हो रहा था, ये सब नहीं था, ये ब्रिज वगैरह नहीं था, सब काम हो रहा था, अभी हो रहा है, हो गया है खत्म। बाकी तो भाई एकदम प्लेस एकदम ऑसम है, ऑसम। ठीक है, मैं आगे पूछता हूँ आदमी को, आइए। तो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया हूँ फाइनली, बहुत गर्मी लग रहा था, उसको ऊपर में और एक पहना था मैंने, उसको चेंज कर दिया। मतलब तो भाई मैं रुक ना वीडियो बना रहा हूँ। गाइस हम लोग अभी नीचे उतर रही है पानी के नीचे, चलिए गाइस देखते हैं क्या होता है वहाँ नीचे। माय गॉड इतना गड्ढा है, इतना गहरा, बहुत गहरा है भाई नीचे। संभाल के भाई आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, मत गिरो रे, तू गिरेगा तो हम भी गिरेगा। आराम से भाई, ओ भाई साहब। तो फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं, चलो देखते हैं, जाना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा नीचे। चलो भाई नीचे चलते हैं, आओ भाई। भाई जूता होता तो खोलना पड़ेगा, जूता तो खोलना पड़ेगा भाई। बैग इधर रख लेते हैं हम लोग, बैग इधर रख दिया, एक मिनट जूता उतर लेते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग जूता खोल चुके हैं और विशाल भी जूता खोल रहा है, तो हम लोग अभी नीचे उतरने चले हैं। ओ भाई रुक रुक रुक, ओ माय गॉड भाई पानी पूरा तेज है। तो मेरा पेंट भीग चुका है, पूरा गीला हो चुका है पेंट। आजा भाई, बहुत ही ठंडा है ना, ओह माय गॉड बहुत ठंडा है, बहुत बर्फ का जैसे पानी इधर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी का लहर, बाप रे बाप, ओ माय गॉड इतना लहर है। मेरे को तो इधर पे उतर के नहाने का मन कर रहा है लेकिन क्या करेगा, उपाय नहीं है, इधर से उतरने का सिस्टम है ही नहीं, तो कैसे उतरेंगे। इधर पे आप लोग देख सकते हैं इतना ही भीड़ हो चुका है, इतना भीड़, ओ माय गॉड, मैं तो कभी भी देखा नहीं इतना भीड़। चारों तरफ से देख सकते हैं आप, उधर ऊपर है पहाड़े, हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए,
तो चलिए हम लोगों के साथ बने रहिए वीडियो में। প্রধানমন্ত্রী আছে লোকে লে হ্যালো দোস্ত হম লোক আগে ঘনে জঙ্গল মে মঙ্গল করতে কে লিয়ে মঙ্গল মঙ্গল নেই হে কুছ মতলব ইয়া কা জো একটু নজারা হে নজারা টু বহুত আচ্ছা লাগতা হে দেখনে সে তো ই আপ লোগো কো দিখানে কে লিয়ে লায়া হে হম লোক ভাই ক্যামেরা ঘুমা তো ये देखिए पीछे का नजारा जैसे भी देख सकते हैं आप लोग पूरा पहाड़ी पहाड़ है चारों ओर। तो हम लोग अभी नीचे उतरने वाला है बहुत ही घने जंगल में आ गए। आप लोग अगर आओगे तो बहुत डर जाओगे भाई दोबारा मत आना इसी जगह में। आप लोग को दिखाना चाहता हूँ दो एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ लेकिन सामने कैमरे से देखने से थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन आप लोग जब सामने से देखेगा तो माँ का सब मजा आ जाएगा। और एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं देखिए एक मिनट में कैमरा आपको घुमा लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप एलिफेंट का वो टट्टी है यहाँ पे आना बहुत ही खतरा है भाई देखो टट्टी टट्टी चारों तरफ टट्टी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो यहाँ पे आना नहीं है तो यहाँ पे आना बहुत ही खतरा है भाई सांपों भी हो सकता है। तो हम लोग को तक अभी तक मिला नहीं सांपों तो यहाँ पे आना बहुत ही डेंजरस है। हम लोग तो आ गया हो मेरा दोस्त का बात बात में आ गया हमें वो बोला कि इधर आने के लिए तो इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। बहुत डर लग रहा है भाई तो अभी बहुत ही डर लग रहा है। हम लोग इधर से जल्दी भागना पड़ेगा नहीं तो हम लोग के लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो उधर देख हम लोग को रास्ता मिल गया है हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे तो बने रहिए। इधर भी देख सकते हैं आप लोग टट्टी है टट्टी और भूख भी बहुत लग गया हम लोगों को अभी खाना भी खाना है। देखता हूँ जाके कि अभी तक खाना रेडी हुआ कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग कितना घने जंगल से हम लोग गुजर रहे हैं। ओ माय गॉड भाई बहुत ही डरावने जगह है देखिए भाई ये तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है हम लोग को ढूंढ के कहाँ से जाऊँ कहाँ से नहीं जाऊँ। इधर से आ जाओ भाई इधर से आ जाओ। ओ माय गॉड ये भूटान बॉर्डर है उधर लेकिन हम लोग को जाने नहीं दे रहे। हम लोग ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है ना वोटर आईडी वो हम लोग नहीं लाया उसलिए हम लोग को जाने नहीं। अगर भूटान जाने के लिए आप लोग को इच्छा है तो इधर आ सकते हैं और आने के लिए आप लोग को ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको साथ में ले आना पड़ेगा। वोटर आईडी और पैन कार्ड कोई भी चीज़ हो आपके पास ओरिजिनल चीज़ हो वो आप लेके आ सकते हैं साथ में। विशाल क्या बोलते हैं उस बारे में आप बोलिए कुछ। हम लोग तो पिकनिक घूमने आए हैं सोचा था भूटान भी जाके जाने देगा लेकिन वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल वाला नहीं लाया फोन में था इससे तो नहीं होगा बोल रहा है तो देखते हैं अगला बार आएगा तो वोटर आईडी कार्ड लेके आएगा फिर जाएगा भूटान। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कभी भी कि आप लोग अगर कहीं पे भी आएंगे ना तो आप लोग वोटर आईडी आधार कार्ड कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो तो साथ में लेके आएगा ओरिजिनल। हम लोग मोबाइल में फ़ोटो खींच के लाया था लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ हम लोग को उधर से वापस कर दिया है। और एक बात बोलना चाहता हूँ इधर का ऑरेंज जो है ना बहुत टेस्टी होता है इधर में ऑरेंज बहुत ही सस्ता मिलता है आप लोग इधर से ला के खा सकते हैं। मैं अभी वीडियो में दिखा दूँगा आप लोगों को कि ऑरेंज कैसा है आप लोगों को वीडियो दिखा दूँगा तो बने रहिए हम लोग वीडियो में देखते रहिए बिना किसी स्किप किए हुए। भाई का जूता का लेस ही खोल गया है तो लेस बांधने में बिजी है भाई भाई यहाँ पे देखते हैं हम लोग बैर है कि नहीं। एक भी बैर नहीं है सब खा दिया है आदमी ने। यहाँ पे आप लोग को 100 का मिल जाएगा भैया कितना करके है 130 ठीक 130 करके मिल जाएगा यहाँ पे पैसा खतरा है। स्कूल का स्टूडेंट है स्कूल से आ रहा है तो यहाँ पे SSB का ट्रेनिंग चल रहा है अभी इधर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बंदा लोग तो हम लोग अभी प्रैक्टिस देखने आए बहुत ही ऊपर आना पड़ा इसके लिए तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत ऊपर चला आया हूँ प्रैक्टिस। तो आप लोग देखिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं देखिए कुछ
कागज से बनाया हुआ कुछ एनिमी है, तो उसको निशाना करती है, निशाना करते सीखते हैं। तो देखिए फायरिंग कैसे कर रही, स्टार्ट हो चुका है अभी। मैं कसम मेरे लाइफ में तुम्हें फर्स्ट बार देख रहा हूँ फायरिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। मज़ा आ गया लेकिन देख के। तो यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं, मैं तो नहा चुका हूँ ऑलरेडी। तो इधर सब देख सकते हैं, सब लोग नहा रहे हैं, अभी खाने का टाइम हो गया है। तो ये देख सकते हैं नज़ारा, हम लोग अभी खाना वाना खा लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।